देखे किस तरह से यहाँ पर फाड़ दिया था, देखिए यहाँ पर अंदर। तो भाई देखिए मैं पुराने किले में घूम रहा हूँ और घूमते घूमते एक मकबरा दिखाई दिया, जो मकबरा है 250 साल पुराना, और उस मकबरे को देखेंगे जो राजा महाराजाओं के टाइम का था। और ये पुराने किले का पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर गेस्ट हाउस है और यहाँ पर देखिए पूरा जो एरिया है ये पुराने कल्चर का है। और यहाँ पर ही मुझे दिखाई दिया एक मकबरा, और उस मकबरे में मैं आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा वो मकबरा। वो 250 साल पुराना बताया जा रहा है, 250-300 साल पुराना, और उसकी कंडीशन जो है बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह। उस ओर देखें वहाँ पर है, और वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पर कब्रें, वहाँ पर सीढ़ी वगैरह चढ़ा रहे हैं, क्या हिसाब है चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको मकबरा, दिखाते हैं आपको। तो आइए लेके चलते हैं आपको उस मकबरे में और दिखाते हैं उसका पूरा व्यू, और देखते हैं पुराने कल्चर में जो है बहुत घूमने की बहुत खास खास जगह है यहाँ पर, हम दिखाएंगे आपको एक लोकेशन यहाँ की भी दिखाते हैं, इस एरिया की दिखाते हैं आपको। गाइस यहाँ पर जो है पुराने कल्चर का बाहर का एरिया है, यहाँ पर मार्केट से भी, और यहाँ पर जो है झुग्गी झोंपड़ी कितनी किस तरह से है, यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी वाले यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर एक खेल का मैदान सा भी है। और इस ओर देखिए आप देख रहे हैं हॉस्टल वगैरह उधर भी है उस साइड, ये साबिर साहब की जो मार्केट थी वो दरगाह है, उधर की मार्केट है। और यहाँ पर भी देखिए आपको दिखा रहे हैं इस ओर, ये भी एक खेल का मैदान है यहाँ पर। और इस मैदान से ही हम लेके चलेंगे आपको वो मकबरा है जो 250 साल पुराना बताया जा रहा है, 250-300 साल पुराना ये मकबरा है सामने ही, वो दिखाएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पर ये पेड़ खड़ा है और मकबरा वो यहाँ पर है, चलते हैं आपको दिखाते हैं वो मकबरा, देखिए वहाँ पर है अंदर, तो अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। और आइए लेके चलते हैं, और देखिए इससे पहले आप यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी, काफ़ी झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं यहाँ पर बेचारे रह रहे हैं यहाँ पर, ये फ़कीर फुकरा, और आपको लेके चलते हैं अंदर, आइए लेके चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये है वो मकबरा, और आपको लेके चल रहे हैं मकबरे के पास, देखिए आप देख सकते हैं इस ओर, और ये 200-250 साल पुराना बताया जाता है, और ये शायद कभी यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे। देखिए ये है वो मकबरा, और यहाँ पर भी जायरीन आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अंदर कब्र है और दरगाह है, देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह की इसकी बनावट है, यहाँ पर तेड़ वगैरह आ चुकी है, काफ़ी पुराना है ये, देखिए देख कितना पुराना है, दिखाते हैं आपको इसका पूरा पूरा यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ये कितने बड़े बड़े चीज़ हैं। और ये राजा महाराजाओं का था कभी मकबरा, तो यहाँ पर एक बाबा जी जो है यहाँ आराम कर रहे हैं, उनकी कब्र वगैरह बना दी गई है, देखिए पेड़ वगैरह है पुराना है, ये इस तरह का है यहाँ पर मकबरा, देखिए देख सकते हैं आप, देखिए वो देखें मकबरा। और इसकी मरम्मत वगैरह ना होने के कारण देखेंगे बहुत पुराना खंडर दिखाई दे रहा है, देखिए आप देख सकते हैं इस ओर। तो आइए लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं इस मकबरे के अंदर का रहस्य, क्या रहस्य है इसका, आइए इसकी कब्र है क्या है, चलते हैं गाइस दिखाते हैं आपको, आइए। कितना पुराना मकबरा है ये देख सकते हैं आप, और ये तेड़ आ रही है देख किस तरह से यहाँ पर, और देख सकते हैं इसमें देखिए पेड़ वगैरह भी उग चुके हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये पेड़ है, देखिए किस तरह का यहाँ पर पेड़ उग रहा है, जड़ नीचे से हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर फाड़ दिया था, देखिए ये देख सकते हैं आप, देख यहाँ पर ये पेड़ ने इसे फाड़ दिया, और यहाँ पर इसका जो है अपना रास्ता बना लिया पेड़ वगैरह यहाँ पर, और ये अंदर का रास्ता है मकबरे का, देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाते हैं यहाँ पर अंदर,